हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत ही काम के मोस्ट यूजफुल फाउंडेशन हैक्स। हैक नंबर वन ये है कि हाउ टू फाइंड द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन। वेबसाइट है foundation.com। मेरे पास अभी मेबेलिन फिटमी का 310 में यूज कर रही हूँ, तो आप उसमें आपका एग्जिस्टेंट शेड डालिए और फिर आपको और कौन से ब्रांड के सिमिलर शेड्स है रेकमेंड कर सकते हैं, तो आप पक्का चेकआउट करना www.foundation.com। अब जो सेकेंड फाउंडेशन हैक है वो ये है, फाउंडेशन जब अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज्यादा यू नो ड्राई पैचेस हो जाते हैं, जिनको ऐसा व्हाइट व्हाइट लगता है, सूखा सूखा जो बहुत ही खराब लगता है। सबसे पहले आपको आपके फेस पर मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करना है, थोड़ा सा उसे आपके स्किन में ब्लेंड कर दीजिए, उसके बाद आपका फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, फिर आप ब्लेंड करोगे तो आपका फाउंडेशन कभी भी आपको ड्राई पैचेस नहीं देगा। थर्ड फाउंडेशन हैक ये है कि आपके पास कोई फाउंडेशन है जो बहुत ही ओके कवरेज है एंड आपको फुल कवरेज चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा फाउंडेशन और चाहिए होगा आपको कोई भी लूज पाउडर, तो आप फाउंडेशन को आपके बैक ऑफ द हैंड पे लीजिए थोड़ा सा और उसमें जो लूज पाउडर है वो थोड़ा सा आपके अंदर ऐड करना है। आप अच्छे से इसे मिक्स कर दो कि आपका एकदम लाइट कवरेज वाला फाउंडेशन आपको फुल कवरेज देगा। अब फोर्थ फाउंडेशन हैक ये है, आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिक है तो उसके लिए आपको चाहिए फाउंडेशन एंड आपका कोई भी फेस क्रीम या फेस पर जो लोशन अप्लाई करते हैं यानी कि मॉइस्चराइजर। फिर देखिए क्या होता है कमाल, आपके बैक ऑफ द हैंड पे सबसे पहले दीजिए आप फाउंडेशन के कुछ ड्रॉप्स और उसमें आप ऐड कर सकते हैं आपका फेस मॉइस्चराइजर या लोशन, दोनों को मिक्स करके फेस पर डॉटिंग मोशन में अप्लाई कीजिए और फाउंडेशन ब्रश है उससे आप स्टैम्पिंग मोशन में आपके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कीजिए। याद रखना कि आपको रब नहीं करना है वरना फिर से यू नो आपका फाउंडेशन खराब हो जाएगा और आपका बेस अच्छे से नहीं लगेगा। देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना शीयर कवरेज मिल रहा है, बहुत ही लाइट कवरेज मिल रहा है और जैसे कि आपने बीबी क्रीम लगाया है, बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप के थपेड़े नहीं किए हैं, वैसा बिल्कुल नेचुरल लुक मिलेगा। अब फिफ्थ फाउंडेशन हैक ये है कि आपके पास है कोई मैट फाउंडेशन और आपको थोड़ा सा ग्लोई ड्यूई बेस चाहिए, बैक ऑफ द हैंड में आप लीजिए फाउंडेशन और उसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा यू नो आपका लिक्विड हाइलाइटर है, क्रीम हाइलाइटर है या फिर आपके पास स्ट्रोबिंग क्रीम है, तो बैक ऑफ द हैंड लेकर दोनों को मिक्स कर दीजिए और आपके फेस पर डॉटिंग मोशन में अगेन आप अप्लाई कीजिए एंड फाउंडेशन ब्रश या स्पंज के साथ ब्लेंड कीजिए। आपका मैट फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ड्यूई शाइनी और बहुत ही लाइक ग्लैमरस लुक आपको देगा, तो आप रात के कोई भी इवेंट में शादी है पार्टी है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और देखना कितने मस्त वाले सेल्फीज आते हैं। और फाउंडेशन हैक नंबर सिक्स ये है कि आपके पास कोई ग्लोई फाउंडेशन है यानी कि थोड़ा सा चमकीला सा फाउंडेशन है एंड आपको मैट लुक चाहिए, ये लॉन्ग लास्टिंग लुक चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अगेन बैक ऑफ द हैंड में आपको लेना है फाउंडेशन और उसे मिक्स कर दीजिए आपके कोई भी सिलिकॉन बेस प्राइमर के साथ, दोनों को मिक्स कीजिए अगेन आपके फेस पर अप्लाई कीजिए एंड ब्लेंड कीजिए, देखना आपका ग्लोई ड्यूई या चमकीला फाउंडेशन बहुत ही अच्छा वाला मैट फाउंडेशन लुक आपको देगा और वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा। कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है फाउंडेशन का शेड ऑनलाइन खरीदने में, तो आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाए जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फाउंडेशन लेते वक्त आपको ये पांच चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला स्टेप है स्किन टोन जानना। अब पूरी दुनिया में आप देखोगे तो स्किन टोन को यानी कि हमारी स्किन के कलर को पाँच अलग अलग विभागों में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फेयर, उसके बाद आता है लाइट, फिर आता है मीडियम जो कि हम जनरली मोस्टली हमारी जो इंडियन स्किन टोन होती है फीमेल्स की वो मीडियम में ज़्यादा फॉल करती है, और उसके बाद नंबर फोर पे आती है टैन यानी कि थोड़ी सी डार्क, और नंबर फाइव पे आती है डीप यानी कि वो काफ़ी डार्क होती है। मेरे स्किन टाइप के हो तो आपका स्किन टोन है मीडियम यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा फेयर है लाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा टैन या डीप है, इन बिटवीन कहीं हम न्यूट्रल कहीं सेंटर में हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे स्किन का अंडरटोन हमें जानना है। पहला जो टोन होता है वो कूल होता है, दूसरा होता है वो भी कूल में ही आता है पर थोड़ा पिंकिश टाइप होता है, थर्ड है वो येलो यानी कि वार्म साइड पे होता है, फोर्थ इज अगेन वार्म साइड पे होता है लेकिन वो पीच साइड पे होता है, और कूल टोन में आता है ऑलिव, और उसके बाद आता है रेड जो कि अगेन वार्म आपका अंडरटोन है। एंड जो न्यूट्रल अंडरटोन होता है दोनों का मिक्सचर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल अंडरटोन। अब वेबसाइट में भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होते हैं हमेशा, स्क्वायर बॉक्स में आपको अलग अलग शेड के कलर्स दिए गए होते हैं, तो पहले वो वाला बॉक्स आप सिलेक्ट कीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा उस पे जाएंगे ना तो वो जूम करके आपको काफी बड़ा दिखाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा और आपको आपका हाथ हथेली पे या जो लोग है ना यहाँ पे चेक करते हैं। अब आप देखो मेरा यहाँ का जो स्किन टोन है और मेरे फेस का काफ़ी फर्क है, क्योंकि ये अंदर रहता है तो ये इतना टैन नहीं हुआ है लेकिन मेरे फेस का जो स्किन टोन है थोड़ा सा डार्क है। अब मैं ये इसके हिसाब से लेने जाऊँगी तो मेरे फाउंडेशन हमेशा लाइट शेड्स के होंगे जो कि गलत होंगे। तो आपको जब भी आपको फाउंडेशन शेड पसंद करना है तो आपको आपकी यहाँ जॉ से लेके यहाँ तक ये वाली स्किन टोन आपको देखनी है, तो ये आपकी परफेक्ट स्किन टोन होगी जिससे आपको आपका एग्जैक्ट फाउंडेशन शेड मिलेगा। तो आप ये वाली स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए ये जो बॉक्स आपको जूम करेंगे तो आपको बड़ा दिखाएगा, तो उसमें आपको आपका फाउंडेशन का शेड थोड़ा सा नज़दीक का तो मिल ही जाएगा। या फिर ये सब कुछ आपको नहीं करना है, अगर आपको एकदम शॉर्टकट आप जानना चाहते हो तो सिंपल आप क्या करो पता है, आप देख लो कोई भी यूट्यूबर जो आपकी स्किन टोन से मैच करता हो, और आप कोई भी फाउंडेशन खरीदना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर यूट्यूबर की चैनल पे जाओ और उनका नाम लिखो और वो फाउंडेशन ब्रांड का नाम लिखो। अगर फॉर एग्जांपल आपको फिटमी का फाउंडेशन खरीदना है और आपका जो स्किन टोन है वो मेरे आसपास है, मेरे जैसा है, तो आपको आरजे महक यूट्यूब में सर्च करो एंड साथ में लिख दो फिटमी फाउंडेशन। तो मैंने फिटमी फाउंडेशन का वीडियो बनाया होगा तो मैंने उसमें शेड एंड सब कुछ डेमो भी शेयर किया होगा, तो स्वॉच भी होगा तो वो आप देख सकोगे कि इसकी स्किन पर ये कितना मैच हो रहा है, कैसा लग रहा है, पहले स्किन कैसी लग रही थी, क्या कवरेज है, और जब पूरा मेकअप करने के बाद फाइनल लुक है वो कैसा आ रहा है, तो भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आई एम श्योर ये टिप्स एंड ट्रिक्स में से आपको अब काफ़ी आसान हो जाएगा ऑनलाइन कोई भी फाउंडेशन खरीदना। और आप ऐसे कौन से बेसिक जो वीडियो है मेकअप के वो जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएगा। मेक श्योर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें एस आर शिव महक। थैंक यू सो गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय।